हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस तरह की लड्डू गोपाल के लिए बड़ी प्यारी सी हैवी ड्रेस बनाएंगे। ये हमने जन्माष्टमी के लिए ड्रेस बनाई है। ये ड्रेस 4 और 5 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए बनाई है। इस ड्रेस में मैंने 2 कलर का कपड़ा यूज़ किया है, 2 तरह का कपड़ा यूज़ किया है। रानी कलर का कपड़ा यूज़ किया, एक प्रिंटेड है जिसके अंदर गोल्डन कलर के ब्लॉक्स बने हुए हैं और एक प्लेन कपड़ा काम में लिया। इस तरह मैंने ये 2 तरह का कपड़ा काम में लिया है। इसमें मैंने ऊपर ये पैचेस लगाए हैं। ये पैचेस मैंने अपने पिछले वीडियो में बनाना बताया है, जिस वहाँ आप इसे जाके देख सकते हैं। नहीं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको दे दूँगी। ये इसमें मैंने साइड में फ्लावर लगाए हैं। ये फ्लावर मैंने मार्केट से लिए हैं। इन फ्लावर को भी हम अपने घर पर ईजिली बना सकते हैं। अगर आप कमेंट्स करेंगे तो मैं ये फ्लावर भी आपको बनाना बता दूँगी। इस ड्रेस की मैंने ये ओपन चोली बनाई है, जो मैंने बाजू को भी साइड में इस तरह जोड़ दिया है। अगर आप नहीं जोड़ना चाहते तो इसे सीधी भी रख सकते हैं। इसे मैंने इसकी ओपन चोली बनाई है। इसे बनाना शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कमेंट्स करके ज़रूर बताएँ कि आपको मेरी ड्रेस कैसी लगी, और कोई कमी हो तो ज़रूर बताएँ, जिससे मैं अपनी अगली ड्रेसों में वो कमी दूर कर सकूँ। चलो हम इसे बनाना शुरू करते हैं। ये ड्रेस बनाने के लिए सबसे पहले हम टैटून का पीस लेते हैं। ये टैटून का पीस मैंने 8 इंच का लिया। ये हम 4 और 5 नंबर के लड्डू गोपाल की ड्रेस बना रहे हैं। सेंटर में से 1.5 इंच का राउंड काटती हूँ। साइड से मैंने इसे काट लिया है। इस टैटून के ऊपर मैं दोनों तरफ सिंपल कपड़ा पेस्ट कर लेती हूँ, तो उसे मैं फेविकोल से पेस्ट कर लेती हूँ। इस तरह मैंने दोनों तरफ ये सिंपल कपड़ा फेविकोल से पेस्ट कर लिया है, और किनारे पे मैंने एक एक सिलाई मशीन से सिलाई लगा ली, जिससे हमारा कपड़ा ना निकले। के लिए अपनी ड्रेस के लिए इस तरह के 2 कलर के कपड़े लेते हैं। मैंने रानी कलर का कपड़ा लिया है, जिसके ऊपर गोल्डन कलर के ये पत्तियां बनी हुई हैं। ये ब्लॉक पेंटिंग की पत्तियां हैं, तो आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं। और इसके साथ का मैंने मैचिंग का ये रानी कलर का प्लेन कपड़ा लिया है। इन दोनों कपड़ों की इन कपड़ों की 3.5 इंच की पट्टियाँ काट ली हैं। सीधी 3.5 इंच की मैंने पट्टियाँ काटी हैं। 3.5 इंच की मैंने रानी कलर की और सिंपल कपड़े की 3.5 इंच की पट्टियाँ काट ली हैं मैंने। अब इन पट्टियों को हम प्रेस से डबल करके, पहले तो पट्टियों को आपस में जोड़ लेंगे हम यहाँ से, फिर प्रेस से हम इस तरह इन्हें डबल फोल्ड कर लेते हैं, जिससे हमें प्लेट डालने में सुविधा रहती है। तो मैं इन्हें प्रेस भी कर लाती हूँ और साइड में जोड़ भी लेती हूँ। इस तरह मैंने अपनी पट्टियों की प्रेस कर लिया, दोनों तरफ सिलाई भी कर ली है इसकी मैंने। यहाँ पे इनको प्रेस करके इस तरह, जिससे हमको प्लेट डालने में सुविधा रहती है। मैंने ये रानी कलर का कपड़ा, जिसपे हमारा गोल्डन ब्लॉक पेंटिंग हुआ हुआ है, इस कपड़े की मैंने 3 पट्टियाँ ली हैं। और जो मैंने मैचिंग का कपड़ा लिया उसकी 2 पट्टियाँ ली हैं। ये पट्टियाँ लगभग 44 इंच लंबाई की रहती हैं, तो इसकी मैंने 3 पट्टियाँ, इसकी 2 पट्टियाँ ली। अब इन दोनों पट्टियों में मैं इस तरह से, जैसे नॉर्मल हम प्लेट्स डालते हैं, वैसे हम इस तरह से सिलाई मशीन से सभी जगह प्लेट से करते हुए दोनों पट्टियों के अंदर प्लेट डाल लेती हूँ। तो सिलाई मशीन, अब हमने अपनी पट्टियों के अंदर प्लेट्स डाल ली। इस तरह से मैंने अपने प्रिंटेड कपड़े में प्लेट डाल ली है। जो मैंने मैचिंग का कपड़ा लिया था उसमें भी इस तरह से मैंने इसमें प्लेट्स डाल ली। अब हम अपना घेरा लेते हैं। मैंने अपना घेरा लिया है। इस घेरे में चौक से हम 2 निशान लगा लेते हैं। पहला निशान हम घेरे पे सभी जगह 1/2 इंच की दूरी पे लगा लेते हैं। तो 1/2 इंच की दूरी पे निशान लगा के हम इस तरह से राउंड कर लेते हैं। अब जो हमने 1/2 इंच पे निशान लगाया, बचा हुआ हमारा 3 इंच का बचता है, तो हम 1.5 इंच के ऊपर निशान लगा लेते हैं। तो ये इस तरह हम ये 1.5 इंच के ऊपर ही, इससे मैंने इसमें ये 2 निशान लगा लिए। जहाँ पे हमने पहला निशान लगाया है वहाँ पे हमारा ये प्रिंटेड कपड़ा है, उसको जहाँ हमारा खुला हुआ हिस्सा है उस हिस्से की तरफ से हम इसे इस तरह इधर से लगाते हुए यहाँ से शुरू करेंगे। और जो हमारा
चौक का निशान है, उस निशान के ऊपर हमारी सिलाई आनी चाहिए। तो इस तरह से हम इसमें राउंड शेप में ये रो में लगा के ले आती हूँ। इस तरह मैंने अपनी ये पहली रो लगा ली है फिल्स की। जब हम लास्ट में आ जाते हैं दूसरी तरफ, तो दूसरी तरफ आने के बाद जो हमारी ये लास्ट वाली प्लेट आती है, इस प्लेट की हम हल्की सी सिलाई खोल लेते हैं और यहाँ से अपने कपड़े को हम कट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे सिलाई खोल लेती हूँ और अपने कपड़े को कट कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने इतनी सी सिलाई खोल ली है, तो यहाँ पे हम अपने जो अपनी सीधी कटिंग है उसके बिल्कुल बराबर में इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो मैं इस तरह इसकी यहाँ पे कटिंग कर लेती हूँ, क्योंकि जब हम साइड में टिश्यू रिबन लगाएंगे तो उसके साथ ये खुला हुआ मुँह इसका दब जाता है। ये हमारी पहली रो लग गई। अब हम अपना दूसरा कपड़ा लेते हैं जो हमारा मैचिंग का कपड़ा था, जिसमें हमने इसकी रो लगाई थी। अब जो हमने सेकंड रो चौक से निशान लगाया था उसके ऊपर इस तरह सिलाई करते हुए इस तरह सिलाई करेंगे, तो जो हमारी सिलाई मशीन पहली सिलाई आई थी वो इसके नीचे दब जाएगी। तो इस तरह हम इसे राउंड में अपना ये दूसरा फ्रिल्स का राउंड लगा लेती हूँ। उसके बाद वापस से जो हमने ये हमारी ये जो पहली फ्रिल्स लगाई थी, तो ये हमारे जो सेंटर में हमारा राउंड बनता है इस राउंड के ऊपर हम ये फ्रिल्स लगा लेंगे। इस तरह मैं ये दोनों राउंड लगा के ले आती हूँ सिलाई मशीन से सिलाई करके। इस तरह मैंने अपने घेरे पे तीनों लाइन अपनी पट्टियों की लगा ली। तीनों लाइन लगाने के बाद इसके मुंह के ऊपर हम सिल्वर कलर का रिबन लेते हैं और इस रिबन को इस तरह हम फोल्ड करते हुए सिलाई कर लेते हैं, जिससे हमारे दोनों साइड के मुंह भी इसके नीचे आके बंद हो जाते हैं। तो मैं दोनों तरफ इसमें सिलाई कर लेती हूँ। इस तरह हमने अपने घेरे के दोनों तरफ ये सिल्वर कलर का रिबन लगा के इसे कंप्लीट कर लिया। अब हम जो हमने ये पट्टी लगाई थी वही कपड़ा लेते हैं और इसके यहाँ पे हम नेफर लगा लेते हैं। तो नेफर लगाने के लिए पहले हम पीछे से सिलाई करते हैं, इस तरह से राउंड में सिलाई करते हुए लेके आते हैं और फिर आगे की तरफ इसे फोल्ड करते हुए सिलाई कर देते हैं। जैसे मैं ये सिलाई कर लेती हूँ। इस तरह मैंने ये चारों तरफ नेफा लगा लिया है और इसमें नाड़ा भी डाल दिया। इस तरह हम अपने लड्डू गोपाल ड्रेस पहनाएंगे, तो इस तरह गांठ लगा के हम इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इस तरह हमारा घेरा कंप्लीट हो जाता है। अब हम अपनी चोली बनाते हैं। अब हम अपनी चोली बनाते हैं। चोली बनाने के लिए मैंने एक सीधी पट्टी ली है, ये मैंने डबल पट्टी ली है जो साइड में मैं इसमें मुड़ाई कर दूँगी। ये पट्टी मैंने इस पट्टी को हम 1.25 इंच चौड़ाई के लिए बनाएंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को मैं अंदर इस तरह सिल्वर कलर के रिबन में मोड़ देती हूँ और मैंने ये 10 इंच लंबाई के लिए और इसके दोनों तरफ मैं ये रिबन जो हमने अपनी चोली घेरे पे लगाया था वही रिबन इस तरह फोल्ड करते हुए इसके दोनों तरफ मैं लगा के ले आती हूँ और अपनी चोली के दोनों पट्टियों को भी मैं तैयार कर लेती हूँ। अब चोली के दोनों तरफ मैंने ये रिबन लगा के इसे कंप्लीट कर लिया है। अब मैं इसके दो पीस कर लेती हूँ। दो पीस करने के बाद वापस से मैं अपना कपड़ा लेते हैं और इस कपड़े के ऊपर दोनों पीस को इस तरह सिलाई कर देंगे और इसे इस तरह मोड़ के यहाँ पे फोल्ड कर देंगे। तो ये इधर हमारे बांधने के लिए पट्टी भी हो जाएगी और हमारी ये चोली भी बन जाएगी। अगर हमको इसमें बाजू बनानी है तो साथ में हम इसे इस तरह से यहाँ भी अटैच कर देते हैं। तो सिलाई करते हुए इसे अटैच कर लेते हैं तो हमारी बाजू बन जाती। तो इससे मैं इसे सिल लाती हूँ। इससे अपने चोली को कंप्लीट कर लिया। इसको मैंने इसकी बाजुओं को भी जोड़ दिया। अगर हम बाजू नहीं जोड़ना चाहें तो इन्हें सीधी पट्टी भी रख सकते हैं। आगे की तरफ मैंने हल्की सी सिलाई कर दी है तो इस तरह हम इसको पीछे बांध देंगे तो ये हमारे कान्हा जी की चोली बन जाती है। ये हमने ओपन चोली बनाई है। इस तरह हमारी ये चोली भी कंप्लीट हो जाती। अब हम अपना घेरा लेते हैं। पिछले वीडियो में हमने इस तरह की पैचेस बनाई थी। ये पैचेस हम अपने इस घेरे पे यहाँ पे अटैच करते हैं। तो इस तरह की मैंने ये चार पैचेस बनाए हैं। ये मैं इस तरह अपने घेरे पे ये लगाती हूँ। दूसरी तरफ मैं इस तरह के फ्लावर लगाती हूँ जो हमें मार्केट में इजीली मिल जाते हैं।
नहीं तो मैं अगले वीडियो में ये फ्लावर भी बनाना आपको बता दूँगी। अगर आप लोग कमेंट्स करके बताते हैं तो मैं फ़्लावर बनाना बता दूँगी। इसमें जो ये रेशम की डोरी मिलती है ये मेरे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं सादा डोरी से आपको ये फ़्लावर बनाना बता दूँगी। तब हम ये सभी को अपने इस घेरे के ऊपर चिपका देते हैं। मैं यहाँ पे ग्लू गन से चिपका रही हूँ। अगर आपके पास ग्लू गन ना हो तो हम इस तरह से फेवी बॉन्ड लेके, ये मार्केट में इजीली मिल जाती है, आप इससे भी इसे चिपका सकते हैं। इसे चिपकाने के बाद थोड़ा सा हल्का सा दबा के रख दें जिससे ये आसानी से चिपक जाएगी। इस तरह हम इसे अब सभी जगह को चिपका लेते हैं। थोड़ा हम बाहर की तरफ करते हुए चिपकाते हैं। तो हमने अपनी पहली बूटी यहाँ पे अटैच कर दी। थोड़ा सा हम दूसरी बूटी में हल्का सा गैप छोड़ के दूसरी को भी अटैच कर देते हैं। हमने चारों पैचेज हमारे लगा दिए हैं। इधर की तरफ हम ये फूल लगा देते हैं। तो पहले हम यहाँ शुरू में ये रानी कलर का फूल लगाती हूँ मैं, फिर उसके बाद ऑरेंज कलर का, इससे हमारा ये घेरा तैयार हो गया। बनने के बाद हमारा घेरा कुछ इस तरह से बनता है। ये हमने चोली बना ली है। आगे के वीडियो में हम इसके लिए कैप बनाना सीखेंगे इसी ड्रेस के लिए। इसी तरह आप मेरे वीडियो वॉच करते रहिए। अगर आपको मेरा ये ड्रेस अच्छी लगी हो और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस तरह के लड्डू गोपाल की ये जन्माष्टमी के लिए ड्रेस बनाई है। ये ड्रेस 4-5 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए बनाई है। इस ड्रेस में मैंने 2 कलर का कपड़ा काम में लिया है। एक कपड़ा जो हमने ऊपर की तरफ लगाया इसमें मैंने इसके अंदर ये गोल्डन कलर के ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक पेंटिंग के डिज़ाइन बनी हुई है। बीच में मैंने सिंपल कपड़ा काम में लिया है और लास्ट में भी हमने ये अपना ब्लॉक ब्लॉक वाला कपड़ा लगाया।